हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम जिपमर एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज या लॉजिकल रीजनिंग के कुछ वीडियोस समय समय पर प्रोवाइड करेंगे, तो उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको अपना पहला वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। मैं इस वीडियो को इंग्लिश का जो वीडियो है इसे जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश आपका इस समय एक रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो आप कोशिश करिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और सुने, लेकिन इसको रिपीट करते रहिए बार बार, क्योंकि जितना आप रिपीटेशन करेंगे उतना आपके जहन में ये फिट होता जाएगा, क्योंकि वन टाइम में याद नहीं होगा। और ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, बट चूँकि आप एग्जामिनेशन का जो हमारा जो ट्रैक है उसमें इंग्लिश मेन सब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए हमसे छूट जाता है। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करूंगा, कुछ एग्जांपल्स को बताऊंगा और उसे आप ध्यान से देखें और सुने। टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। बहुत कॉमन सी बात है, इसको आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आर्टिकल्स हमारे इंग्लिश में तीन हैं, ए, एन एंड दी। तीन आर्टिकल्स हैं। बेसिकली जो आर्टिकल्स होते हैं दीज आर एडजेक्टिव्स, यानी बेसिक इनका नेचर एडजेक्टिव होता है, एंड यूज्ड यूजुअली बिफोर नाउन। सामान्यतः ये नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं, कोई फर्म नहीं है, लेकिन जब भी आप देखेंगे कोई नाउन लिखा होगा उसी के पहले इस्तेमाल होते हैं। हालांकि कई नाउन आप देखोगे जहां पर उनके पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें जो ग्रामर में आती है, तो हम इसका एक नया नाम देते हैं अब, दैट इज ए डिटरमाइनर्स। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन को डिटरमाइन करते हैं। अगर ये डिटरमाइनर शब्द आप समझेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे हम आर्टिकल्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि दो हिस्सों में जो हमने बांटा है दैट इज ए इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। ये दोनों नाम सिर्फ डिटरमाइनर शब्द को लेकर बनाए गए, क्योंकि ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं। तो बात आती है कि नाउन हमारे दो प्रकार के हैं, कैसे? पहला टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा टाइप है डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन है और डेफिनेट आर्टिकल दी है। क्यों हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल? जितने भी इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन, दे आर यूज टू मेक द पोजिशन ऑफ नाउन अनसर्टन। अगर नाउन के पहले इस्तेमाल होंगे और वो नाउन की पोजिशन को अनसर्टन कर देते हैं, यानी एग्जैक्ट नहीं बताते। जैसे ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बुजुर्ग आदमी देखा। दूसरा एग्जाम्पल है देयर वॉज अ किंग, There was a king। क्या देखें, दोनों एग्जाम्पल में ओल्ड मैन और किंग दोनों के पहले एन और ए लगा है। तो दोनों एग्जाम्पल में जो हमने एन और ए का प्रयोग किया है, उन्होंने नाउन को अनसर्टेन कर दिया। जैसे ओल्ड मैन के पहले एन लगा है या किंग के पहले अ लगा है, तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं बताता कौन, हु इज द ओल्ड मैन, या किंग का नाम नहीं बताता है। ये बताता है एक राजा था, वहां पर एक राजा था, या उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा, लेकिन वो राजा कौन था या बुजुर्ग व्यक्ति कौन था उसकी पोजीशन सर्टेन नहीं है। तो ये कहलाता इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल हमेशा नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन कर देते हैं। समझ में ना आए तो आप याद कर लें, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। दूसरा टाइप आता है डेफिनेट आर्टिकल। तो जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ एक हैं, दैट इज दी। तो इट इज यूज्ड टू मेक द पोजीशन ऑफ नाउन सर्टेन। ये नाउन के पहले इस्तेमाल होता है तो वो नाउन की पोजीशन को सर्टेन कर देता है। एग्जाम्पल द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी नेपाल का जो सोना है वो सस्ता है। तो यहां गोल्ड के पहले हमने द इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, ये वही कलम है जो मैंने
खरीदा है। तो इन दोनों जगह पर पहले एग्जाम्पल में गोल्ड के पहले दी है और दूसरे एग्जाम्पल में पेन के पहले दी है। तो दोनों ही जगह पर इसने नाउन को सर्टेन कर दिया, श्योर कर दिया। यानी गोल्ड तो दुनिया में बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन जिस गोल्ड की बात हम पहले एग्जाम्पल में कर रहे हैं, एंड दैट इज द गोल्ड ऑफ नेपाल, यानी एक सर्टेन है, हर जगह का गोल्ड नहीं, सिर्फ नेपाल का गोल्ड जो है वो सस्ता है। दूसरे एग्जाम्पल में पेन के पहले द लगाने का मतलब है कि एक सर्टेन बात बताई जा रही है कि ये वही कलम है जो मैंने खरीदा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि द लगा देने से जो गोल्ड और पेन यानी दोनों जो नाउन है वो सर्टेन हो गए। तो मैंने जो बात कही उसको ब्रीफली अगर मैं कहूं कि सर आर्टिकल्स हमारे पास तीन हैं, ए, एन एंड द। बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं, अक्सर ये नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में हम डिटरमाइनर कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन एन है और डेफिनेट आर्टिकल दी है। तो एक इंट्रोडक्शन था, तो मैंने टॉपिक पढ़ाने के पहले इंट्रोडक्शन करना चाहा, लेकिन बहुत डिटेल में तो हम चलेंगे नहीं क्योंकि फिर हम ट्रैक से अपने हट जाएंगे हमारे क्वेश्चंस को लेकर एक्सरसाइज पे हम आते हैं। सर एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चन रख रहे हैं पढ़ रहे हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। तो हम आपको कुछ सेंटेंसेस बताएंगे और उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उसमें आपको एक करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। अब वो डेफिनेट आर्टिकल चूज करेंगे या इनडेफिनेट आर्टिकल, वो सर्कमटेंसेस पर डिपेंड करता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही हैज, फिर एक डैश लगा हुआ है, अम्ब्रेला। ही हैज, उसके पास है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के पहले हम आर्टिकल्स में से एन लगाते हैं क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि जो वॉवेल है हमारे शब्द, जो वॉवेल है उन। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपको अपने हर वीडियो में एक नया पार्ट ऐड कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ दिल से जुड़े, मन से जुड़े और ज्ञान से जुड़े, इंटरेस्ट लगा के जुड़े। सिर्फ इसलिए ना जुड़े कि हमें सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। जब तक हमारा मतलब नहीं सॉल्व होगा तो फिर इस ऑडियो चैनल का या वीडियो चैनल का कोई फायदा नहीं है। तो बात ये कहने कि आज के बाद, आज तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हमारी जैसे ही अगली वीडियो आएगी, यानी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी, हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल होगा। उस सवाल का आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, उस सवाल का आप सुने देखिए और आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल के जरिए बताएं। जिस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही होगा और सबसे पहले देगा, उस बच्चे का नाम हम अगली वीडियो में शो करेंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट होगा उस बच्चे के लिए कि सर उस बच्चे ने सही आंसर किया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अगले वीडियो से इस सेशन के लिए भी तैयार हो जाइए, इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं समझ रहा हूं कि आप बिल्कुल सही आंसर देंगे और सिर्फ आप ही आंसर देंगे। मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस पॉइंट के लिए मेरे पास रिस्पॉन्स अच्छे आने चाहिए, एंड बी ए गुड स्टूडेंट एंड योर रिस्पॉन्स शुड बी द बेस्ट। उनके पहले एन लगेगा और जो कॉन्स्टोनेंट हैं उनके पहले हमेशा अ लगेगा। तो ये बहुत सा कॉमन सी बात है, अम्ब्रेला इज द यू, लेट्स से वॉवेल, तो इनके पहले एन लगेगा। फिर दूसरा एग्जांपल, डैश, काउ हैज डैश टेल। तो यहाँ दो फिल इन द ब्लैंक्स है, काउ के पहले भी कोई आर्टिकल यूज करना है और टेल के पहले भी। तो काउ के पहले हम दी लगाएंगे, तो दी काउ हैज और टेल। तो काऊ के पहले द लगाया जाएगा और टेल एक होती है गाय में, लेकिन टेल टी से शुरू होता है एंड दैट इज उससे पहले और लगेगा। तो पॉइंट हो जाएगा सेंटेंस, द काऊ हैज और टेल। थर्ड पॉइंट है, हाउ ब्यूटिफुल डैश गर्ल इज शी, कितनी सुंदर है लड़की, इज शी यानी वह लड़की कितनी सुंदर है। एक सरप्राइजिंग बात कही जा रही है, तो गर्ल एक ही लड़की की बात हो रही है तो हम ए या एन लगाएं, बट जी है दैट इज नॉट ए वॉवेल, तो देयरफॉर द ऑट इज यूज्ड बिफोर द गर्ल। तो सेंटेंस होगा, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी। फोर्थ, मिस्टर राम कुमार इज डैश ऑनेस्ट मैन।
तो मिस्टर राम कुमार इज ऑनेस्ट मैन, एच एच इज नॉट ए वॉवेल, तो क्योंकि एच तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जो होगा उससे पहले तो अ लगना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर से सुने, ऑनेस्ट हॉनेस्ट नहीं बोलते, अगर हम हॉनेस्ट बोलते तो ह का उच्चारण होता, हम ऑनेस्ट बोलते हैं अ, तो अ रिप्रेजेंट द वॉवेल। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो वॉवेल साउंड भी प्रोड्यूस करता है तब भी हम उसके आगे एन लगाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास वॉवेल पहला अल्फाबेट हो तो हम एन लगाएंगे। वॉवेल अल्फाबेट हो तो गुड, लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तब भी एन लगेगा। तो इस जगह पर मिस्टर राम कुमार इज एन ऑनेस्ट मैन। फिफ्थ डैश, एनसीसी बॉय वॉक्ड 10 किलोमीटर। तो अगर आप एनसीसी देखें तो एन इज अ कॉन्सोनेंट, इसके पहले और लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि एन एन जब बोलते हैं तो ए शब्द आता है पहले, एन सी सी, तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहां पर एन लगना चाहिए। तो पॉइंट होगा एन एन सी सी बॉय वॉक्ड 10 किलोमीटर टुडे। सिक्स्थ है ही इज डैश पब्लिशर। तो पब्लिशर पी कॉन्सोनेंट, इससे पहले अ होगा। तो अब बात आ रही है, क्योंकि जो पब्लिशर है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो जाहिर है ए और एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन एन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि पी ना तो वॉवेल है ना वॉवेल साउंड पब्लिशर में आ रहा है, इसलिए ही इज अ पब्लिशर विल बी करेक्ट। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उन सब के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। इसी में एक पॉइंट सुन लीजिए, हम कह जरूर रहे हैं फिर कह रहे हैं कि जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे उनसे पहले ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। तो पॉइंट है, समटाइम ए एन कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर हम कहते हैं हैव अ बियर, हैव अ शावर, हैव अ ड्रीम, हैव अ गुड डे। तो ये सब जगह देखें, बियर, शावर, ड्रीम, गुड डे, इन सभी जगह पर आप देखें इनमें से कोई भी काउंटेबल नहीं है, ना तो बियर, ना शावर, ना ड्रीम, ना गुड डे, लेकिन सबके पहले हमने और शब्द का प्रयोग किया है। एट्थ, अब बात करते हैं कि दी शब्द का प्रयोग करते कहाँ कहाँ है। बहुत जगह करते हैं, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, मैं कुछ ऐसी बातें ही कर रहा हूं जिनको इजीली आप समझ सकें और रिटेन कर सकें। तो द शब्द का प्रयोग कई जगह करते हैं, जैसे बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन, अगर हम माउंटेन सीरीज कहीं लिख रहे होंगे उससे पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे हिमालयाज, हिमालय इज नॉट ए माउंटेन, दैट्स ए सीरीज ऑफ माउंटेन, तो आंसर होना चाहिए द हिमालयाज। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कोई माउंटेन नहीं है, एक चेन है, पूरी सीरीज है, तो द ईस्टर्न घाट। लेकिन द कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द पीक ऑफ माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन पीक लिख रहे हैं तो उसके पहले दी शब्द का प्रयोग गलत है। जैसे अगर कहीं लिखा है दी माउंट एवरेस्ट तो ये गलत है, दी माउंट एवरेस्ट नहीं होता, सिर्फ माउंट एवरेस्ट होता है। तो पहली बात आपने सीखी कि दी शब्द का प्रयोग सीरीज ऑफ माउंटेन्स में करते हैं। दूसरी बात, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, दी शब्द का प्रयोग हमेशा नदी के पहले करते हैं, जैसे द नाइल, नील नदी को नाइल, द गंगा, और भी नाम दे सकते हैं द यमुना, द घाघरा, द ब्रह्मपुत्र। लेकिन ऐसे जनरल बात तो है कि रिवर के पहले हम द लगाते हैं, लेकिन इफ द नेम ऑफ सिटी इज लिंक्ड विद द नेम ऑफ रिवर, कुछ ऐसे भी रिवर हैं जिनमें नेम ऑफ सिटी उसके साथ लिंक्ड है, तो उसके पहले दी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स द नेम ऑफ द सिटी इज लिंक्ड विद द नेम ऑफ द रिवर, देन नो यूज ऑफ द द।
जैसे एग्जाम्पल दें किंगस्टन ऑफ थेम्स, तो थेम्स इज अ रिवर लेकिन किंगस्टन इज ए प्लेस, तो किंगस्टन ऑन द थेम्स नहीं करेंगे, इसका नाम होगा किंगस्टन ऑन थेम्स। तो दो बातें हमने सीखी, सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले लगाएंगे या रिवर के नाम के पहले लगाएंगे। नेक्स्ट बात है बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशियन, बे या गल्फ, नदी, समुद्र या खाड़ी के पहले लगाते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल। तो एक जनरल बात है कि हम समुद्र, महासागर, खाड़ी के पहले लगाते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक हडसन बे है दुनिया में, उसके पहले द शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मींस द नेवर बी यूज्ड बिफोर हडसन बे, ये एक्सेप्शन समझ लें, इट इज नॉट एनी सर्टन रीजन बिकॉज ऑफ, लेकिन हडसन बे के आगे दी नहीं लगाते। तो तीन बातें सीख ली, माउंटेन की सीरीज के पहले, रिवर के पहले, सी, ओशियन, बे एंड गल्फ के पहले। नेक्स्ट बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जहां पर आइलैंड्स का ग्रुप होगा उससे भी पहले हम दी लगाते हैं, जैसे अंडमान्स, तो अंडमान्स इज नॉट ए आइलैंड, दैट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, ये जो अंडमान, वेस्ट इंडीज एंड फिलीपींस हैं, दीज रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग वाजिब है। लेकिन द नेवर बी यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर आइलैंड, अगर आप किसी एक आइलैंड का नाम बता रहे हैं तो उसके पहले द शब्द का प्रयोग वाजिब नहीं है, जैसे अगर हमें जावा, तो जावा तो एक पर्टिकुलर आइलैंड है, जावा, सुमात्रा, तो उनके पहले द नहीं लगना चाहिए, तो जावा सिर्फ जावा होगा, दैट्स करेक्ट। अगर आप दी जावा बोल रहे हैं तो वो गलत है। नेक्स्ट बिफोर द नेम ऑफ कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स, यानी कोई कैनाल होगी, एरोप्लेन होगा, जहाज होगी या फिर कोई ट्रेन होगी, उससे भी पहले दी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो जोड़ती है, द कश्मीर प्रिंसेस, ये एरोप्लेन के नाम से बोला, कोई और भी बोल सकते हैं, द एयर डेकन भी बोल सकते हैं, द इंडिगो भी बोल सकते हैं जो फ्लाइट है एरोप्लेन, द विक्टोरिया एक शिप का नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। तो हमने चारों के एक एक एग्जाम्पल लिए, पनामा कैनाल, कश्मीर प्रिंसेस, विक्टोरिया, राजधानी एक्सप्रेस, इन सब के पहले हमने द लगाया। नेक्स्ट दी कैन बी यूज्ड बिफोर रिलीजियस बुक, डायरेक्शंस, डेजर्ट्स एंड रिलीजियस कम्युनिटी, कोई धार्मिक पुस्तक, कोई दिशा, कोई रेगिस्तान या कोई रिलीजियस कम्युनिटी है तो उसके भी पहले द शब्द लगाया जाता। द रामायणा ऑफ तुलसीदास, तो ये रिलीजियस बुक है रामायणा, तो द लगा सकते हैं। द साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन है तो उसके पहले द लगा रहे हैं। द सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है तो उसके पहले लगाया। द मुस्लिम्स, द हिंदू, द सिख, कुछ भी ऐसा रिलीजियस कम्युनिटी बोला जाए तो उससे पहले द लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बिफोर यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी एकदम सच हो जिसका कोई अपवाद ना हो, एक्सेप्शन ना हो, उससे भी पहले हम दी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द सन, द सी। नेक्स्ट बिफोर गवर्नमेंट ब्रांचेस या आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जुडिशरी सिस्टम अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है, तो इस तरह की कोई ब्रांच या आर्म्ड फोर्सेस के आगे लगाते हैं, जैसे द जुडिशरी, द पुलिस, ये गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं, हम गवर्नमेंट को इन्हीं रूपों में देख पाते हैं। द एयरफोर्स इज ए आर्म फोर्स, तो इसके पहले हम द लगाते हैं। सर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बात करते हैं, एक सेंटेंस है, डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड, यानी तीन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश एवरेस्ट, तो आप जानते हैं एवरेस्ट अभी आपने पढ़ा, दैट इज ए पीक ऑफ माउंटेन,
तो इसके आगे द शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए एवरेस्ट ही शुरू होगा, उसके पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स लगा है उसके आंसर में क्रॉस यानी कुछ भी नहीं होगा। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसका आंसर होगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज ए रॉन्ग। नेक्स्ट डैश नॉवेल यू गेव मी इज आउट ऑफ डैश प्रिंट। तो द नॉवेल यू गेव मी यानी जो नॉवेल जो तुमने मुझको दी इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी एक नॉवेल की सर्टेनिटी बात की जा रही है, एकदम श्योरिटी है कि जो नॉवेल तुमने मुझको दी वो आउट ऑफ प्रिंट है। तो यहां पर द लगेगा क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल हो गया, नाउन से पहले हम द लगा देंगे। आउट ऑफ प्रिंट होगा, प्रिंट के पहले द नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग तरह का है, इसमें सेंटेंस है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कोई सेंटेंस आपको दिया जा रहा है उसमें आपको करेक्शन करना है। इस तरह जिस तरह के सवाल आते हैं आपके चिपमर में मैंने उसी तरह के एक्सरसाइजेस ली हैं। क्वेश्चन है या स्टेटमेंट समझ लीजिए, ही हैज ज्वाइंड अ 6 months कोर्स। तो इस सेंटेंस में देखें 6 months, तो 6 महीनों की बात की जा रही, तो वर्ड गलत है। 6 अगर आप आगे लिख देते हैं तो मंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ मंथ बोला जाएगा, मंथ शब्द गलत है। तो योर आंसर शुड बी ही हैज ज्वाइंड अ 6 month कोर्स, मंथ्स जो लिखा है उसमें एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल द नाइट, पेशेंट पूरी रात नहीं सोया। तो बात कही जा रही है द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट, नाइट कोई इंडिकेट नहीं किया जा रहा किस रात, तो नाइट इज अनसर्टन। तो नाइट अगर सर्टन नहीं है तो उससे पहले द शब्द का प्रयोग वाजिब नहीं है। नेक्स्ट ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें माई बेस्ट फ्रेंड के पहले दी लगा है, तो ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये माई बेस्ट फ्रेंड ये सर्टन नहीं है, तो इसके पहले आर्टिकल शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा यहां पर, तो ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ दी माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। नेक्स्ट मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट, इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो आपको बताया था कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उससे पहले आपको द लगाना चाहिए, वर्ड वर्ड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट सहारा अ बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका। अब सहारा आपने अभी पढ़ा था कि जब भी आप डेजर्ट की बात करेंगे तो उससे पहले दी लगना चाहिए, वर्ड के पहले तो दी लगेगा और लगा भी है, तो पॉइंट होगा इसका दी सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, मैंने आर्टिकल के बारे में थोड़ी जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। मैं बार बार थोड़े थोड़े इंटरवल पे, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट इंग्लिश तो है नहीं, लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा हूँ बायोलॉजी का टीचर होने के बावजूद कि आप इंग्लिश के टच में बने रहें, लेकिन ये आपको फ़ायदा तब होगा जब आप इसी वीडियो को जब आप फ्री हों इसको दोबारा सुने, तिबारा सुने, कई बार सुने, तो धीरे धीरे इसकी कई सारी बातें आपके जहन में बनी रहेंगी। तो जब आप एग्ज़ाम में या इस तरह के क्वेश्चंस को कभी करेंगे तो अन्य बच्चों से बेटर कर लेंगे, और मैं तो चाहूँगा कि आप बहुत बहुत ही बेहतर करें, लेकिन वो संभव एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा। इसको आप कई बार रिपीट करें, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपको कुछ नयापन सा लगेगा और धीरे धीरे आपके पास ये रिटेन होना शुरू हो जाएगा, मैं यही चाहता हूँ। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड बी विद माई चैनल। We'll be right back.